आओ आओ बेटा, खाना लगा हुआ है, आ जाओ। थोड़ा और दीजिए। थैंक यू। कहाँ रहते हो दिन भर? क्या सोचा जिंदगी में क्या करने का इरादा? या जिंदगी भर यूं ही बाप के पैसों पर ऐश करने का इरादा? तो फिर क्या करूं? समझाओ अपने लाडले को, कारोबार में हाथ बटाना शुरू करे। बल्ब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता बाबूजी। तुम्हें बल्ब बनाना नहीं है, बल्ब बेचने का कारोबार करना है। हम उजाला बेचते हैं, लोगों को अंधेरों से निकालते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जीवन में बल्ब कितनी ज़रूरी चीज़ है। अरे कार हो या साइकिल, ज़िंदगी में एक ही बार खरीदनी पड़ती है, लेकिन बल्ब की ज़रूरत हमेशा रहती है। बीवी बच्चों को कपड़ा लत्ता ना खरीदो तो अंधेरा नहीं हो जाएगा? होता है दुख का अंधेरा। वो भी बदल सकता है, खासकर अगर तुम अमीर हो। हाँ तो मैं कह रहा था, बल्ब की मांग हमेशा रहती है। होटल हो या रास्ता, मकान हो या दुकान, बगैर बल्ब के कहीं गुजारा नहीं। आई समझ में बल्ब की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है? आपने सुना नहीं है बाबूजी, जैसे हमें एक ही जगह से सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, वैसे ही एक सतर्क बिजनेसमैन को अपनी सारी पूंजी एक ही जगह नहीं लगानी चाहिए। वाह क्या सलाह है। तो मैं सोचता हूँ, लेकिन फिलहाल बल्ब मैन्युफैक्चरिंग को ही आगे बढ़ाना ठीक है। उसे कई तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल खाना खाओ। उन्हें भी दो साहबजादे को, उन्हें ज़्यादा भूख लगती है।